गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज के हम लेक्चर 5 पे पार्ट 5 पे हम एरर एनालिसिस करने वाले हैं। क्या एरर एनालिसिस? तो आज जो हम एरर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम जब मेजरमेंट्स करते हैं तो उसमें हम किस किस प्रकार के एरर कर सकते हैं, ठीक है। और एरर अगर हम दो हमारे पास स्पेसिमेन है और हम उनके पास वैरायटी ऑफ रीडिंग हमारे पास है तो हम उनकी एरर्स को क्या करने वाले हैं, जब हमारा एडिशन होगा तब, मल्टीप्लीकेशन होगा तब, डिवीजन होगा तब, तब हम किस किस प्रकार से हम एरर को ऐड, सबट्रैक्ट एंड डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब हम आज के इस पार्ट 5 पे हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एरर एनालिसिस, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने जो है अपने लास्ट लेक्चर 4 तक, ठीक है, आपने सब उसको पढ़ लिया होगा जिसमें मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ मैंने कवर किया है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप जो है इन सब चीजों को सही से देख लिए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियो को पहले देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उसको कोरिलेट करने वाला हूं अपने जो है प्रीवियस लेक्चर से, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद पढ़िए और जो आपके दोस्त हैं जिनको यूनिट एंड मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम है तो उसको आप शेयर करिए, ठीक है, सो दैट उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो हमें नीड है आपके अप्रिसिएशन को, ठीक है, और आपको नीड है हमारे कंटेंट की, ठीक है। तो हम आपको कंटेंट अपना प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट कंटेंट, और आप हमें अपना बेस्ट अप्रिसिएशन दीजिएगा सो दैट हमें एक हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, ताकि हम और से और मेहनत कर सकें और अच्छा कंटेंट आपको दे सकें। क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना तो एक अंदर से एक ऐसी फील आती है कि हाँ हमें अब करना है, और हमारा जो एफर्ट होगा नेक्स्ट टाइम वो जिसका जो इम्पैक्ट होगा वो 2 times ग्रेटर देन होगा, ठीक है। सो अब मैं अपने कंटेंट पे काम करने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। सो एरर एनालिसिस पे हम सबसे पहली बात जब करेंगे तो बात करेंगे एरर की, कि एक्चुअल में एरर होता क्या है, ठीक है, एक्चुअल में एरर होता क्या है। तो आपको ये समझना है कि सपोज दैट अगर हमारे पास एक स्केल है, सपोज दैट इसको मैंने ये 1 centimeter, मैंने इसको 1 centimeter जो है ये लेंथ है, ठीक है नहीं, हम ऐसा दिखाएंगे, ठीक है। और ये उसका लीस्ट काउंट है, ये 1 mm का जो है लीस्ट काउंट है, तो ठीक है। तो एक्चुअल में एरर क्या है, ठीक है, ठीक है, नो मेजरमेंट इज परफेक्ट, ठीक है, किसी भी प्रकार का मेजरमेंट आपका परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर आपने सपोज दैट एक कोई रॉड है, ठीक है, इसको आपको मैंने मेजर करने के लिए कहा, तो आप कई प्रकार के आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे आप मेजर करते हैं, लाइक गेज, स्क्रू, ठीक है, लाइक वर्नियर कैलिपर, ऐसे बहुत सारे आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप इसको जो है मेजर करोगे, ठीक है। तो आप जब अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स इसको मेजर करोगे तो आप देखोगे कि कभी इसकी रीडिंग, सपोज दैट अगर इसका एक्चुअल लेंथ, जो मैं एक्चुअल लेंथ बता रहा हूं, एक्चुअल लेंथ मान लीजिए 10.2 है, ठीक है, 10.2 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसको एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। हम जब रीडिंग लेंगे तो हम विभिन्न विभिन्न प्रकार की गलतियां करने वाले होंगे, ठीक है। कोई बंदा इसको मेजर करेगा 10.1, कोई 10, कोई 10.3, ठीक है, ऐसे मेजरमेंट होने वाले, एक्यूरेट नहीं मिलता। तो हम करते क्या है, आज का हमारा यही है कि हम कौन से किस आइडिया को यूज करते हैं सो दैट हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाए, हम मोस्ट एक्यूरेट जाएं, ठीक है। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ का क्या रोल है, तो मैंने बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये होता है कि हम अगर किसी भी मेजरमेंट को सिग्निफिकेंट, लार्जर सिग्निफिकेंट मींस लार्जर एक्यूरेसी, मोस्ट एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज मोर, ठीक है। तो जितने भी आप अपने मेजरमेंट को ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स देंगे, ठीक है, तो वो मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट होगा, ठीक है। ये चीज कहां बात करी, ये चीज हमने सिग्निफिकेंट नंबर पे बात करी, इसलिए मैंने पहले सिग्निफिकेंट नंबर और राउंडिंग ऑफ को पढ़ा दिया था, आज हम उसका यूज करने वाले, ठीक है। तो ये चीज देखना है कि एक्चुअल में, ठीक है, ये चीज ये रीडिंग हो सकती है, तो हमने वैरायटी ऑफ रीडिंग हमको यहां मिलने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब समझिए तो हमें एरर कैसे मिलेगी, ठीक है, एरर कितनी हो सकती है,
तो वो होता है लीस्ट काउंट के हिसाब से, ठीक है। अगर आपकी स्केल 1 सेंटीमीटर है और उसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट मतलब जो मिनिमम स्केल है, ठीक है, वो 1 mm है, सपोज है इसमें 1 mm है, ठीक है, तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा इस वन स्केल का कितना होगा, 1 mm, ठीक है। तो इतनी ही एरर, सपोज दैट मैंने एक रॉड को मेजर करा और मैंने उस मेजरमेंट में बताया 10.1 सेंटीमीटर मुझे मिली इसकी लेंथ है, तो कितना एरर हो सकता है, कितना एरर हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो सकती है, वो हो सकती है प्लस माइनस लीस्ट काउंट, क्या लीस्ट काउंट, तो यहां लीस्ट काउंट क्या है, यहां लीस्ट काउंट है 1 mm, ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं प्लस माइनस 1 mm। अब 1 mm यहां सेंटीमीटर है, तो इसको सेम यूनिट पे कर दो, 0.1 सेंटीमीटर, ये क्या है, लीस्ट काउंट है, क्या है, लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट एक्चुअल में क्या बताता है, आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अगर आप मैक्सिमम कहां जा सकता है, ये 10.1 प्लस 0.1 मैक्सिमम, और मिनिमम क्या होगा, 10.1 माइनस 0.1, ये क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ऐसे जो है हम क्या है, ऐसे हम एरर बताते हैं। तो जो हमारे पास विभिन्न प्रकार की स्केल होती है उनमें जो लीस्ट काउंट होगा है, लीस्ट काउंट होता है वो उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास स्केल है तब तो हम देख के बता देंगे, ठीक है, कि इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है, ठीक है। बट अगर हम तो इसी प्रकार से हमने जो है एरर को क्या किया, कैटेगराइज किया, ठीक है, कैसे, एक हमने बताया रैंडम एरर, ठीक है, और एक हमने बताया जो हम बता सकते हैं कि ये एरर जो है एक्चुअल में होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। तो एक प्रकार का हम एब्सोल्यूट एरर और एक होता है रैंडम एरर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर में एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, कि वहां पे आप ये सोच के बता सकते हैं कि यहां पे 100% इसकी वजह से एरर आई, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि सपोज दैट एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल को आप किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो जब बॉल नीचे आ रहा होगा, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ रही होगी जैसे कि वो ग्राउंड को अप्रोच कर रहा होगा, बट आप देख रहे हैं कि वहां एक ऐसा फैक्टर है जो कि उस वेलोसिटी को कम कर सकता है, कौन है, एयर ड्रैग, पर हम नॉर्मल सिचुएशन पे एयर ड्रैग को नेग्लिजिबल कर देते हैं, ठीक है। तो उस अगर हम किसी चीज को नेग्लेक्ट करते हैं तो उस नेग्लेक्ट, जब हम नेग्लेक्ट करते हैं तो हमें एरर मिलती है, क्योंकि हमारा एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं आने वाला। सपोज दैट हमने प्रेडिक्ट किया कि हमने उस वेलोसिटी का इस हाइट पे इतनी वेलोसिटी होगी, बट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों रिजल्ट डिफरेंट होंगे, क्योंकि हमने एक ऐसा फैक्टर है जो उसको मिनिमाइज कर सकता है वेलोसिटी को, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो कुछ एरर तो हमें पता होती है, ये नोन एरर है, हमें पता है, ठीक है, तो उस प्रकार के एरर को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट, ये पता है हमें। एक रैंडम एरर होती है जो कि हमें नहीं पता, जो कि हम मेजरमेंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, ठीक है, तो उस पे हमें ये नहीं पता होता कि एक्चुअली में जो हमारा एरर आ रही है किसकी वजह से आ रही है, ठीक है। तो यही चीज है, हम आज रैंडम एरर को अपने कुछ कैलकुलेशन से उसके हिसाब से हम उसको करने वाले, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम एक रॉड है और मैं मेरे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट है, उससे मैंने मेजरमेंट करा, ठीक है। तो जो मेरा पहला मेजरमेंट था, उस पहले मेजरमेंट मेरे को A1 मिली रीडिंग, दूसरा मैंने इंस्ट्रूमेंट यूज किया मुझे A2 मिला, तीसरा यूज किया A3 मिला, ऐसे करके मुझे AN जो है मेजरमेंट्स मिले, ठीक है, मैंने N मेजरमेंट्स किए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इन सभी मेजरमेंट्स का मैं एक एवरेज रखूंगा, उसको बोलते हैं मीन, क्या बोलते हैं, मीन। तो वो एक्चुअल में क्या होगा कि वो इसका मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट्स होगा, क्यों, क्योंकि एक से किया A1, दूसरे से A2, तीसरे से A3, ऐसे एंड जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया उससे A1 रीडिंग्स की आई,
बट सभी वेरी कर रही है ना, सभी कोई इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो अब हम इस पे मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट कौन बताएंगे, कौन सा बोलेंगे, वो होगा जो इसका मीन होगा। तो हम सबसे पहले इसका एवरेज लेंगे, क्या लेंगे, एवरेज, ए मीन। तो जो ए मीन होगा वो क्या होगा, मोस्ट एक्यूरेट होगा, वो होगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री ए एन अपॉन एन, एन इंक्रीज है तो इससे मैंने क्या किया, ए एम निकाल लिया। तो जो ए एम है, ये ए एम क्या है, ये अभी इनसे एक्यूरेट है, ठीक है, ये मोस्ट एक्यूरेट एंटिटी आई हमें, ठीक है। अब ये ए एम निकाला तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहली बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कि एक में कितना एरर है, ठीक है। तो उस एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले मेजरमेंट में जो एरर है वो होगा डेल्टा ए वन, डेल्टा ए वन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा मीन, मीन माइनस ए वन, ठीक है। ये कैसे आया इसको समझिएगा, ये पहले मेजरमेंट में जो पहला है ये ए, इस पे कितनी गलती है, जब ये मोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है, जब मोस्ट एक्यूरेट है तो उसमें गलती कितनी है, तो एक्यूरेट में हमने जो रियल है, रियल ये ट्रू वैल्यू है, इसमें जो रियल कैलकुलेशन है मेजरमेंट है उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहां से मुझे पहले वाले में गलती समझ में आ जाएगी कि इतनी एरर पहले वाले की है। सेम चीज हम रिपीट करने वाले दूसरे के लिए ए टू, तो वो क्या होगा ए एम माइनस ए टू, ये दूसरे वाले में गलती आ जाएगी। ऐसे करके हम एन वाले में गलती बताएंगे ए एम, ठीक है, तो वो होगा ए एम माइनस ए एन, ठीक है, ये हमारी लास्ट वाले में गलती हो जाएगी। अच्छा अब हम सोचिए कि ये जो एरर्स आई हैं, ये एरर इंडिविजुअली हैं, इस पहले वाले मेजरमेंट के लिए ये है, दूसरे वाले के लिए ये है, तीसरे वाले के लिए, बट हमें अगर हमें रिजल्ट देना है तो हम सिर्फ एक का बताएंगे ना कि एक्चुअल में इसका रिजल्ट ये है, ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, तो जितनी भी गलतियां हैं, अब जितनी गलतियां हैं उनको मीन, उनका मीन निकालेंगे, उनको एवरेज करेंगे, ठीक है। तो हमारी गलतियां जो थी तो उस गलतियां से हम निकालेंगे डेल्टा एम, डेल्टा ए एम, ये मतलब गलतियों का एवरेज है, किसका, गलतियों का एवरेज। तो गलतियों का एवरेज क्या होगा, वो होगा मॉड ऑफ डेल्टा ए वन प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए टू, ऐसे मॉड ऑफ डेल्टा ए एन अपॉन एन, ये क्या है, ये गलतियों का मीन है, ठीक है, जो हमने एरर्स करी उनका मीन है। तो ये जो मीन, ये जो रिजल्ट मिलेगा ये एक्यूरेट एरर होगी, ये इतनी पक्का ही है, क्योंकि सब में अलग अलग एरर मिली है, तो सब में अलग अलग मिली है, तो हमें एक्यूरेसी पता करने के लिए कितना एक्चुअल में गलती करी है उनका मीन निकाल लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक्चुअल पता चल जाएगा। अच्छा अब ये मैंने मॉड क्यों किया, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी कि ये मॉड क्यों आया, मॉड आने का कारण सिर्फ यही है कि गलतियों को हमने हमने ऐड करा, अगर ये साइन नेगेटिव भी आया है ना तो हमने पॉजिटिव लिया, क्योंकि होता क्या है कि गलतियां कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, गलतियां कभी भी घटती नहीं है, ठीक है। अगर सपोज दैट अगर आप एक किसी भी चीज को मेजर करने वाले हैं, कोई भी एक इवेंट करने वाले हैं, तो अगर एक इवेंट में आपकी कुछ गलती हुई है और आपने दूसरा इवेंट अकर हुआ है उसमें भी गलती हुई है, तो उनके रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करने से उनकी गलतियां सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएंगी, एरर हमेशा जुड़ेंगी, ठीक है, एरर क्या होंगी, हमेशा जुड़ेंगी, कभी भी एरर नहीं घटती, कभी गलतियां नहीं घटती, हमेशा जुड़ती ही हैं। जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट मतलब मेजरमेंट्स होंगे, उसमें जो गलतियां होंगी वो क्या होंगी, जुड़ेंगी ही होंगी। तो एक फैक्ट मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, उसको आप जो है याद रखिएगा, आप उसको नोट करके लिख लीजिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं। नोट पॉइंट ये है कि एरर आर ऑलवेज, एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन
और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो होगा क्या कि जो गलतियां हैं एरर्स आर ऑलवेज एरर इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, ठीक है। जब हम अपने इवेंट्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गलतियां हमेशा जुड़ेंगी, गलतियां सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। एडिशन में तो जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी, बट सब्सट्रैक्शन में भी जुड़ेंगी, गलतियां कभी घटती ही नहीं, ठीक है। तो वही इसलिए मैंने गलतियों को मोड लिया, ठीक है। जो मेरी गलतियां हैं वो जो है एरर्स हैं वो क्या है, वो मोड में रखा है। ये मुझे क्या है, ये मुझे मोस्ट एक्यूरेट एरर है, ठीक है। तो जो मोस्ट एक्यूरेट एरर है, ठीक है, तो सबके नाम है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है जो ये ए है, ठीक है। इसको मैं इस साइड लिख रहा हूं, ये जो ए है, ए एम, ए एम, इसको बोल लेंगे ट्रू वैल्यू। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रू वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, इनको, इसको बोलेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर फॉर वन एक्सपेरिमेंट, एब्सोल्यूट एरर फॉर वन एक्सपेरिमेंट, ठीक, एब्सोल्यूट एरर फॉर वन एक्सपेरिमेंट, जो ये ऐसे दूसरे का है, ऐसे तीसरे का है, ठीक है। अच्छा, इन सब के जो डेफिनेशंस हैं मैं पीपीटी में सब कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो आपको हर एक वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन पे आपको आप पीपीटी का जो है एक लिंक होगा, उसको उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव से, ठीक है। तो वो चीज जो है मैं सबकी डेफिनेशन वहां प्रॉपर्ली लिखे हूँ, यहाँ मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने कंटेंट को, एक्चुअल में है क्या, ठीक है। वहां सब डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, और यहाँ उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे अननोन पैरामीटर्स इनको बोलते क्या, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्रू वैल्यू का, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर फॉर वन एक्सपेरिमेंट, ये क्या है, ये क्या है, ये है मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक, ये क्या है, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये क्या है ट्रू वैल्यू, ये क्या है एब्सोल्यूट फॉर वन एक्सपेरिमेंट, ये क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक, क्योंकि हमने एरर्स का एवरेज लिया, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने डिस्कशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये चीज, ये फैक्ट है, नोट इसको कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे उन चीज सब के इसको और समझेंगे सही तरीके से। ये इन चीजों को हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे कि रिलेटिव एरर क्या होती है और परसेंटेज एरर क्या होती है। तो जो रिलेटिव एरर होती है वो होती है रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मींस डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, ये क्या होता है, ये होता है रिलेटिव एरर। अच्छा, अब बात करेंगे परसेंटेज एरर की।
परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इनटू 100 मींस डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इनटू 100। ये क्या हो गया, ये हो गया परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप जो है नोट कर लीजिए। ट्रू वैल्यू को और मीन एब्सोल्यूट एरर को मैं बता चुका हूं, ठीक है। इसके हिसाब से मैंने रिलेटिव एरर निकाल ली और परसेंटेज एरर निकाल ली, ठीक है। तो ये जो है आप इसको नोट करिए। चलिए अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। एडिशन और सब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन और सब्स्ट्रैक्शन में कैसे हम लोग जो है इस एरर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सब्सट्रैक्शन में सबसे पहले बात करेंगे कि हम कैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। सपोज दैट मेरे पास दो रॉड है, ठीक है। मैं रॉड एक्चुअली में क्यों ले रहा हूं बार बार, क्योंकि थोड़ा सा आसान है और इसका जो है वन डायमेंशनल क्लासेस हम कर रहे हैं, ठीक है। तो रॉड में क्या है, सपोज दैट लेंथ का ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो इसका एल वन है लेंथ और इसका एल टू है, ठीक है, एल वन एल टू। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, सो क्या होगा, L1 प्लस माइनस डेल्टा L1 एक का होगा, ठीक है। अब ये एक का रिजल्ट होगा, दूसरे का रिजल्ट होगा L2 प्लस माइनस डेल्टा L2, ये दूसरे का होगा, मतलब समझे ना। L1 का मतलब ट्रू वैल्यू और डेल्टा L1 का मतलब उस पे एरर, ठीक है। तो वो ये हो गया वन का रिजल्ट, ठीक है, और ये हो गया दूसरे का L2 उसकी वैल्यू और उसमें एरर प्लस माइनस कर दी। ये हमने क्या कर दिया, दोनों का रिजल्ट लिख दिया। अब इनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कैसा क्या होगा। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, एडिशन की, ठीक है। तो देखो, तो एडिशन की बात करेंगे तो क्या होगा, एडिशन की बात करेंगे तो जो क्या है, जो ये L1 एंड L2 ये ट्रू वैल्यू है, तो एडिशन है ना, तो क्या करो, ट्रू वैल्यू को ऐड कर लो। क्या करोगे, L1 प्लस L2, ट्रू वैल्यू को ऐड कर दिया। फिर क्या करोगे, फिर करोगे, अब बात एरर की आई, तो एरर में आएगा प्लस माइनस। अब एरर में क्या होगा, दोनों की एरर जुड़ जाएंगी, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना दोनों को। तो जब जोड़ रहे हैं आप दोनों रिजल्ट को जोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले इनकी ट्रू वैल्यू को ऐड कर दिया। फिर अब एरर की बात आई, तो एरर में प्लस माइनस, अब एरर भी जुड़ जाएंगी। मैंने क्या कहा था, अगर दो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनमें जो एरर है, तो एरर चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, हमेशा एरर जुड़ेगी ही जुड़ेगी। तो एरर क्या होगा, तो एरर लिख देंगे प्लस माइनस L1 प्लस L2,
तो ये एरर है, देखो एरर जुड़ी इसके फॉर्म में डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 जो कि पहले वाले में एरर है दूसरे वाले में एरर है, इसको दोनों को ऐड कर दिया गया और रख दिया गया इसके साथ, तो ये एडिशन हो गया। अब सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन में क्या होगा कि जो ट्रू वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू तो घट जाएंगी, L1 माइनस L2 ये घट जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, ट्रू वैल्यू तो घट जाएंगी। अब 10 मीटर में 5 मीटर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 मीटर आएगा, तो ट्रू वैल्यू तो घट गई, बट मैंने बताया था कि चाहे सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐड करो हमेशा हमेशा जो गलतियां होंगी जुड़ेंगी जुड़ेंगी, तो गलतियां तो इसमें भी जुड़ेंगी, तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 ये जिसको समझ में आ गया ये समझ जाओ कि उसका जो है जो एरर टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि गलतियां जो है ये दोनों में चाहे सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐड करो गलतियां तो जुड़ेगी ही जुड़ेंगी, क्योंकि ये इनकी गलतियां हैं, जो L1 है उसको मैंने मेजरमेंट करा तो डेल्टा L1 गलती मिली एरर मिली, और L2 को मेजर करा तो इसमें डेल्टा L2 एरर मिली, तो जब दोनों को ऐड करेंगे दोनों रिजल्ट को तो एडिशन में ये ट्रू वैल्यू ऐड हो जाएगी पर एरर भी जुड़ जाएगा, और सब्ट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पर एरर फिर भी जुड़ेगा, क्योंकि एरर हमेशा जो है जुड़ती ही जुड़ती है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम जो है एरर को कैसे जोड़ते घटाते हैं हमें सब पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की एंड डिवीजन की, ठीक है। चलो तो अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में चलते हैं, ठीक है, ये हो गया ना। चलो सो अब मल्टीप्लीकेशन की बात आई, तो सपोज दैट अब ये समझो, अब ये मान लो ये रॉड की लेंथ ए है, एरिया मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है, लेंथ मान लो, ठीक है, इसकी लेंथ ए है एंड विड्थ बी है, तो जो एरिया होगा, एरिया को मैं डिफाइन करता हूं यहां कैपिटल ए से, तो वो होगा ए इंटू बी। किसी कोई दिक्कत को कुछ होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत आसान चीज है, एरिया क्या होगा लेंथ इंटू विड्थ। अब ये समझो कि ये मल्टीप्लीकेशन केस हो गया, तो जब अगर मेजरमेंट करा तो लेंथ के मेजरमेंट में हमने क्या देखा कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए ये एरर है लेंथ में, ठीक है, ठीक है, एंड विड्थ में बात करें तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी ये भी एरर है विड्थ में और ये एरर है लेंथ में। तो जब हम बात करेंगे एरिया की तो एरिया कैसा आएगा, एरिया का रिजल्ट वो आएगा एरिया इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए, ये एरिया में क्या होगा, ये एरिया में होगा एरर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, जब लेंथ में एरर विड्थ में एरर आ सकती है तो एरिया जब होगा उनका मल्टीप्लीकेशन उसमें तो एरर आएगी, ठीक है। तो ये देखो मैंने लिख दिया ए को ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये एरर है एरिया में, ये लेंथ में एरर है, ये विड्थ में एरर है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें, तो जो रिजल्ट होगा उसका इंपॉर्टेंट होगा, जो इंटरमीडिएट स्टेप होंगे उनसे कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ समझिए कि एक्चुअली में मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां अगर आप ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू, इसमें ए कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, इसमें यहां बी कॉमन ले लीजिए 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फर्दर स्टेप में क्या करते हैं, ए लिखते हैं इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू ए इंटू बी, इसको यहां ले लो तो ए बी आ जाएगा
वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। आपको पता है ये पहली इक्वेशन से a इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो a इज इक्वल टू ए इंटू बी मतलब ए इंटू बी को भी मैं a ले सकता हूं, ये क्या है ये a है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में इक्वल है ना, ए बी को मैं ले सकता हूं कैपिटल a और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो रिजल्ट आने वाला होगा, उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो तो वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्वांटिटी होगी, ये वाली ये वेरी वेरी स्मॉल है, क्या है वेरी वेरी स्मॉल है, तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी ये 10 टू 0, ये 0 हो जाएगा क्योंकि बहुत स्मॉल बहुत स्मॉल क्वांटिटी, जो डेल्टा इनटू डेल्टा है छोटी छोटी क्वांटिटी हो जाएगी इसके कंपैरिजन में, ये इसको 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, उसको मैं यहां लिख रहा हूं इसके जस्ट बाद, ठीक है। ठीक है, तो ये इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो यहां से आ जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये हो जाएगा, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट जो एरिया में होगा, एरिया में होगा एरर वो होगा प्लस माइनस ए, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दोगे इनटू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये आएगा अपने एरिया में एरर, ठीक है। ये आपको फाइनल रिजल्ट है, इसको आपको नोट डाउन करना है, इसको आपको देखना है कि ऐसे हम जो है एरिया में एरर निकालेंगे, एरिया में एरर कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस ए रख दोगे, डेल्टा ए जो हमें पता है, ठीक है, जो लेंथ और विड्थ में था एरर उसको रखोगे, उसके एक्चुअल वैल्यू रखोगे, डेल्टा बी में विड्थ में रखोगे एरर उसके एक्चुअल वैल्यू इसको ऐड करोगे तो ये तुम्हें एरिया में एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन की जब बात आती है, जब कोई क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन के साथ होता है तो उसमें ऐसे एरर निकालते हैं, ठीक, उसमें क्या करते हैं ऐसे एरर निकालते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने डिवीजन की, डिवीजन कोई वैल्यू है x is equals to a by b ऐसा है तो x में एरर कैसी आएगी, तो आप इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम देखेंगे कि जो x पे एरर होगी, ठीक है, वो होगी x प्लस माइनस डेल्टा x, ये x में एरर होगी। सेम चीज a एक a का एरर रख दो अपॉन ये कर सकते हैं x प्लस उसका एरर इज इक्वल टू a प्लस उसका एरर b प्लस माइनस उसका एरर, ठीक, ऐसा कर सकते हैं ना। चलिए उसके बाद अब इसको जो है हम सॉल्व करके थोड़ा सा सेम चीज वही प्रोसीजर करेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस
डेल्टा एक्स बाई एक्स ठीक है इज इक्वल टू यहां ए कॉमन लेंगे नीचे से बी कॉमन लेंगे तो ए बाई बी आएगा ठीक है। सेम चीज जो ए बाई बी है वो किसके इक्वल है एक्स के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से तो ये एक्स एक्स थ्री कैंसिल हो जाएंगे ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हम यहां पे देखेंगे वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स ठीक है दिस इज इक्वल टू ये ऊपर पहुंचेगा तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी ये ऊपर पहुंचेगा तो वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी की होल पावर माइनस वन ठीक है ये हो जाएगा। अब इसमें लगा होगा बर्नौली इक्वेशन ठीक है मैथ पे एक इक्वेशन इसका नाम बर्नौली इक्वेशन है जिसकी पावर नेगेटिव हम सॉल्व करते हैं। अच्छा आपने ये तो पढ़ाई होगा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब ये सब पढ़ रखे होंगे बट आपने कभी ये नहीं पढ़ा होगा ए प्लस बी की होल पावर माइनस वन होल पावर माइनस टू इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता तो इसको हम क्या इसको हम बर्नौली इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। किससे बर्नौली इक्वेशन से तो वो क्या होती है वो होती है वन प्लस एक्स की होल पावर माइनस वन ठीक है इसे होल पावर एन सॉरी होल पावर एन ठीक है ये इसको सॉल्व करते हैं जहां एक्स एक्स लेस देन वन होनी चाहिए ये कंडीशन होती है यहां कंडीशन को हम यहां नहीं देंगे तब इसको इसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है वन प्लस वन माइनस एन एक्स वन माइनस एन एक्स होता है वेयर एक्स इज लेस देन वन ठीक है जब एक्स वन से कम होगा तब ही ये वैलिड होगा तब हम लिखेंगे इसको 1 माइनस एन एक्स ठीक है ये होता है बर्नौली इक्वेशन ठीक है तो इसका मैं प्रयोग करूंगा क्योंकि मेरे नेगेटिव पावर है इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं बर्नौली इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा जो कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स जहां पे एक्स जो है लेस देन 1 होगा ठीक है इसको मैं यूज करने वाला हूं तो जब यूज करूंगा तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा होगा 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू इसको 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए ठीक है इसको जब रखूंगा तो देखो डेल्टा बी बाई बी ये 1 से कम है क्योंकि ये एरर है और एक्चुअल वैल्यू है तो ऊपर न्यूमरेटर पे कम वैल्यू है डिनोमिनेटर पे ज्यादा वैल्यू तो हमेशा लेस देन 1 आएगा तो मतलब ये वैलिड है तो मतलब यहां आ जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी ठीक है। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी तो यहां भी प्लस आ जाए ठीक है यहां भी जब हम रेशियो लेते हैं दो क्वांटिटी का और उसका एरर निकालते हैं तो यहां भी प्लस आता है और मल्टीप्लीकेशन में भी प्लस आता है तो मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में सेम एरर का फॉर्मूला आता है ये इसमें खास बात है ठीक है जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें एरर निकालेंगे रिजल्ट पे तब भी यही चीज आएगी और जब दो क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे उसमें जो एरर निकालेंगे तब भी यही आएगा तो ये दोनों रिजल्ट सेम होते हैं तो ये है डिवीजन का ये है वो लास्ट वाला मल्टीप्लीकेशन का। सो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा ठीक। अब लास्ट जो कभी कभी आता है ठीक है वो ज्यादा देखने को नहीं मिला पर फिर भी हम उसका मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं आपको ठीक है सो दैट आप जो है उसको यूज कर सको अगर कभी आपको मिल जाए देखने को ठीक। तो वो होता क्या है अगर सपोज दैट एक क्वांटिटी है x x की पावर a टू द पावर m b टू द पावर n अगर ऐसा कुछ आए एक ऐसी कोई क्वांटिटी है जो एट द पावर एन और बी टू द पावर एन ऐसा है तब उसमें एरर क्या होगी तब आपको सीधे प्रकार से डेल्टा एक्स जो एरर होगी वो प्लस माइनस एक्स एम डेल्टा ए बाई ए प्लस एन डेल्टा बी बाई बी ये रख देना बस ये जो है इस पे एरर होगी ठीक है ये फॉर्मूला याद रखिए जिसकी पावर एन है उसको आगे रखिए वो रखिए उसका रिलेटिव एरर और बी है तो जब भी ऐसा हो या
ऐसा हो तब आप जो है इसको इसको यूज करना है, ठीक है। चलो तो आज के जो है पार्ट फाइव पे इतना ही, ठीक है। ये अपना पार्ट फाइव था, इसमें मैंने पूरी कोशिश करी आपको एरर एनालिसिस को सही समझाने की, ठीक है। मैंने अच्छे अच्छे एग्जांपल लिए, आप इसको इस वीडियो को सही से देखिएगा, ठीक है। जहां समझना है एक बार रिपीट करिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर सिक्स पे हम न्यूमेरिकल रीजन करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया अपने पहले ही पार्ट से कि हम सबसे लास्ट में न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स समझो कि न्यूमेरिकल जो होंगे वो एक सीक्वेंस होगा उसका, ठीक है। सबसे पहले इजी, देन मॉडरेट, देन हार्ड, ये एक सीक्वेंस होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मोर देन 20-30 होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग करने वाले हैं, वो सेशन थोड़ा लंबा भी होने वाला है, ठीक है। सो आप से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप, ठीक है, पार्ट नंबर फाइव तक एक सही से एक अपना खुद का नोट बना लीजिए, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए मैं पीपीटी तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, उसमें आपको अच्छी चीजें और मिलेंगी, ठीक है। जो मैं चीजों को यहाँ स्किप कर गया हूँ, ठीक है, टाइम कम होने की वजह से, स्पेस कम होने की वजह से, वहां वो चीजें आपको सब मिलने वाली है, ठीक है। और ये मैं जो उसका गूगल ड्राइव का लिंक होगा वो उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।